आप जाइए, इतना तंगी हुआ है। सब 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लंबे चले गए, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। एक बाबा, बाबा की गॉड लाइक इमेज, बाबा की दीवानगी में पागल भीड़ और एक हादसा। हादसा इतना दर्दनाक कि जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। मामला है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव का, जहां मंगलवार को एक सत्संग की भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में आंकड़े 100 के करीब बताए जा रहे थे, ताज़ा आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 121 बताई जा रही है, जिसमें 100 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं, वहीं 28 लोग घायल हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एटा में लाशों का ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। अस्पताल की ज़मीनों पर लाशें, तड़पते हुए घायल, ये सब हृदय विदारक है। तस्वीरें विचलित करती हैं और कई सवाल भी खड़े करती हैं। सवाल जिम्मेदारों पर, गुनहगारों पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है समाज की अंधश्रद्धा पर। सबसे पहले मामला समझते हैं। हाथरस के फुलरई गांव में एक बाबा का सत्संग था। बाबा का नाम भोले बाबा, नाम भक्तों ने दिया है। असली नाम है सूरजपाल उर्फ हरि नारायण साकार। इसी सत्संग में बड़ी संख्या में बाबा के तथाकथित भक्तों का जमावड़ा लगा, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम में 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब भीड़ इकट्ठी हो गई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये देखने वाला कोई क्यों नहीं था, आखिर प्रशासन कहाँ था? खैर, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ ये कारण उसका बताया जा रहा है। अभी तक कई अलग अलग बातें सामने आ रही थी, लेकिन पहली प्रशासनिक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने के कारण हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम जब खत्म हुआ, जब ये सत्संग खत्म हुआ, तो बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लोग बढ़ने लगे। भीड़ को वॉलंटियर्स ने रोका और धक्का मुक्की हुई, और उन्होंने भीड़ को, जब नहीं रुकी भीड़, तो रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग रौंद दिए गए। वहीं मामले को लेकर सिकंदरा राउर थाने के सिपाही ने 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम ही नहीं है। वहीं भोले बाबा हादसे के बाद से ही गायब भी हैं, पुलिस लगातार तलाश में है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों की हालत का जायजा लेने पहुंच गए हैं और मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है। जांच होगी, गुनहगार पकड़े जाएंगे, इतना पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, होना चाहिए। लेकिन भारत में ये बाबाओं का रुतबा बड़े सवाल खड़े करता है। उनके प्रशंसकों का एक हुजूम है, बाबाओं पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगते हैं, लेकिन पैरोल पर पैरोल मिलती जाती है। भक्त इतने लॉयल कि इन सब के बाद भी इनका विश्वास नहीं डोलता। इन्हें आप अंधभक्त बिना किसी झिझक के कह सकते हैं। द हिंदू ने अपने एक वीडियो में कार्यक्रम स्थल में बाबा के लिए VVIP व्यवस्थाओं को दिखाया है। बाबा के आलीशान आश्रम है और रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा किसी भी तरह की दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। BBC के मुताबिक सोशल मीडिया में बाबा की उपस्थिति बेहद कम है, जैसा कि अमूमन आज के समय में बहुत सारे बाबाओं के साथ है, लेकिन ज़मीन पर लाखों की संख्या में बाबा के प्रशंसक हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने भी बाबा के सत्संग के विषय में एक ट्वीट किया था, वो यहाँ जा भी चुके हैं। मतलब आप बाबा के लिंक्स को समझ सकते हैं। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा के ऊपर यौन शोषण के आरोप भी हैं। जी हाँ, ये कहानी हर पूरी कहानी की ही धुन पर अब ऐसा लग रहा है कि थिरक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरजपाल ने, ये जो बाबा हैं सूरजपाल, इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर इस रास्ते को चुना था और देखते ही देखते बाबा के भक्तों की बड़ी संख्या बन गई। ये कुछ चमत्कारी बातें करते हैं लोगों से, चमत्कार की एक तरीके से बात ये सामने रखते हैं अपने भक्तों के सामने।
वहीं एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि बाबा को पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया गया था। बाबा ने अपने भक्तों से इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम करने का दावा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख डीजीपी प्रकाश सिंह ने एनडीटीवी को बताया कि सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस से बर्खास्त किया गया था और सूरजपाल सिंह पर 5-6 केस भी दर्ज हैं, इनमें यौन शोषण के आरोप भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनकी भाव भंगिमा को देखकर नहीं लगता कि वो आईबी में काम कर चुके हैं, क्योंकि आईबी में काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बताएगा कि वो आईबी में काम करता था या करता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सूरजपाल सिंह के कृत्य को देखते हुए उसके अतीत की भी जांच कराई जानी चाहिए। फिलहाल बाबा नदारद हैं, घायल अस्पताल में हैं और कई लाशें और उनके परिचित सवालों के जवाब में। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी जानकारियां सामने आती रहेंगी। अंत में क्या होता है देखने वाली बात है। आगे जो भी होगा हम उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए बने रहिए शब्दसांची के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।